नमस्कार। साहित्य कला परिषद, कला संस्कृति और भाषा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित इस दिल्ली शास्त्रीय संगीत महोत्सव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय संगीत को समझना और उसके इतिहास को जानना वस्तुतः भारतीय सभ्यता के इतिहास से परिचित होना है। प्रकृति की गोद में अपने जीवन को संवारते, पशु पक्षियों की ध्वनियों और आवाज़ों में माधुर्य खोजते आदि मानव ने संगीत को कब खोजा होगा कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में वाद्य यंत्रों के चिन्ह मिलते हैं। वेदकालीन भारत में संगीत का व्यवस्थित विकास हुआ। वेद की आरंभिक ऋचाओं में 3 स्वरों तक का प्रयोग मिलता है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 7 स्वरों के अलावा 2-2 श्रुतियों को भी महत्वपूर्ण माना है। विभिन्न रागों में इनका प्रयोग होता है। यही भारतीय संगीत के सूक्ष्म विज्ञान को विश्व के संगीत जगत से बिल्कुल अलग करता है और भारतीय शास्त्रीय संगीत की इन्हीं विशिष्टताओं का उत्सव मनाने के लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली में कला, संस्कृति और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली सरकार हमेशा प्रयासरत रही है। इस तरह के उत्सवों का आयोजन आज दिल्ली के कोने कोने में हो रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार का मानना है कि लोगों को कला तक नहीं, कला को लोगों तक पहुंचाया जाए। और आज यहाँ सुंदर नर्सरी में इतनी खूबसूरत छटा है और यहाँ हम प्रकृति की गोद में जैसे बैठे हुए हैं रस यात्रा बढ़ाने के लिए। और हमारी खुशकिस्मती है कि दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। एक बार तालियों से हम सभी इनका हार्दिक अभिनंदन करें। श्री मनीष सिसोदिया जी का कला प्रेम इसी बात से जाहिर होता है कि जब भी कोई इस तरह का उत्सव होता है तो वो अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से समय निकालते हैं और सिर्फ एक औपचारिकता मात्र करके चले नहीं जाते, पूरा समय रुकते हैं, पूरे कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं, सब लोगों के बीच में बैठते हैं और उन्हें आनंद लेते हुए देखते हैं। तो एक बार फिर से जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करें, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और अब मैं निवेदन करूंगी दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग की सचिव सुश्री मनीषा सक्सेना जी से कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर लेकर आएँ और फूलों से उनका सत्कार करें। पर्यावरण के प्रति प्रेम इसी से झलकता है कि पौधा भेंट में दिया जा रहा है, तो मनीष जी जब जब इस पौधे को देखेंगे तो ये इस उत्सव को याद करेंगे। और मैं निवेदन करूंगी उस्ताद अमजद अली खान साहब से कि मंच पर पधारें और श्री मनीष सिसोदिया जी के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित करें। हमारी संस्कृति में जब भी हम कोई शुभ कार्य आरंभ करते हैं तो मंगल दीप प्रज्वलित किया जाता है और इसके पीछे शायद यही सोच है कि हम शाश्वत अग्नि को आह्वान करते हैं। शाश्वत अग्नि का शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। हम दीप की उस ज्योति को प्रणाम करते हैं जो शुभता, कल्याण, आरोग्य और धन संपदा लाती है और जो लोगों के मन से वैर भाव हटाती है। आज हम सबकी यही प्रार्थना है कि ये दीपक हर हृदय में प्रेम और सौहार्द भरे। ये उत्सव समर्पित है विश्वविख्यात ध्रुपद गायक तथा पद्मश्री से सम्मानित पंडित रमाकांत गुंदेचा की स्मृति को। माननीय मुख्य अतिथि महोदय पुष्पांजलि अर्पित करेंगे पंडित उमाकांत गुंदेचा की स्मृति को। हमारे बीच विधायक श्री प्रवीण कुमार उपस्थित हैं, मैं मंच पर उन्हें सादर आमंत्रित करना चाहूंगी।
तालियों से हम अभिनंदन करें। और अब जिगर मुरादाबादी साहब की दो पंक्तियों से मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को। उनके संबोधन के लिए ये दो पंक्तियाँ आपकी नज़र करना चाहती हूँ। अपना ज़माना आप ही बनाते हैं अहले दिल, अपना ज़माना आप ही बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। श्री मनीष सिसोदिया जी, आज सुंदर नर्सरी कि इस बहुत ही सुंदर सी शाम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट और हमारी साहित्य कला परिषद की तरफ से आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और शुक्रिया करता हूं कि आप सब यहां पधारे हैं। ये दिल्ली क्लासिकल म्यूज़िकल फेस्टिवल दिल्ली सरकार का एक बहुत प्राइड फेस्टिवल है, जिसको हमारी पूरी टीम, मैं जितनी भी मीटिंग्स करता हूँ डिपार्टमेंट के संबंध में और उन सब में, लगभग हर मीटिंग में ये ठुमरी फेस्टिवल और दिल्ली क्लासिकल फेस्टिवल की तैयारियों का जिक्र होता रहता है। तो पूरे साल इनकी तैयारियों में कुछ ना कुछ स्टेप बाय स्टेप लगे रहते हैं हमारी पूरी टीम। और आज ये जो फेस्टिवल हम कर रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने लीजेंड आर्टिस्ट्स देश के यहाँ हमारे बीच होंगे और हम उनको साक्षात सुनने का, देख उनको लाइव हम उनको सुनने का मौका मिलेगा हम सबको। पहले ये प्रोग्राम आप सब जानते हैं, आप में से जो लोग रेगुलर आते हैं, कमानी ऑडिटोरियम में होता था। और पिछले दो साल का मेरा अनुभव कमानी ऑडिटोरियम का थोड़ा ऐसा रहा कि जैसे आज मैं आया तो कमानी ऑडिटोरियम में आना, जब हाउस फुल हो जाए और उसके बाद 400 लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हों कि जी किसी तरह से बस मंत्री या कोई अफसर सीनियर आए तो उसके साथ हम भी दो चार लोग घुस जाएं, वैसे में आई कुड फील द पेन कि हर आदमी अपना विज्ञापन देख के जैसे भी सूचना मिलती थी और उसके बाद सोचता था कि मैं अपना समय निकाल के इस बड़े प्रोग्राम में जाऊं, इतने बड़े आर्टिस्ट को सुनूं। और उसके बाद व्यवस्था या जगह की कमी के कारण हमें बहुत ब्रूटल होकर मना करना पड़ता था, साहब सीट नहीं है, खड़े होने की भी जगह नहीं है, इतनी जगह कि मेरे जैसा कोई मंत्री धक्का मुक्का खाते हुए जाके एक लैंप चला दे। और उस सब के बीच में बहुत अजीब सा लगता था। तो उस दो साल के अनुभव के बाद फिर हम लोग हमेशा तय करते थे कि इसको, हम लोगों ने तय किया कि इसको कमानी ऑडिटोरियम की 600-700 की कैपेसिटी से बाहर निकालेंगे। और जब हम ये तय कर रहे थे तो कहीं ना कहीं मन में डर भी था कि जगह चेंज करने पर कई आइडिया फ्लॉप हो जाते हैं। और फिर सुंदर नर्सरी में लाना, जहाँ कनेक्टिविटी आई कैन अंडरस्टैंड उतनी नहीं है जितनी कमानी ऑडिटोरियम की है, उसके बावजूद हमने हिम्मत दिखाई और आज आप सबकी यहाँ उपस्थिति, मुझे लगता है लगभग 1500 लोग इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबकी उपस्थिति हमें बता रही है कि हमारा डर वाजिब नहीं था। आप कला से प्यार करते हैं, आप दिल्ली क्लासिकल म्यूज़िक फेस्टिवल के कदरदान है, इसलिए आप सब यहाँ भी आए हैं और आपने हमें हौसला बढ़ाया है। ये प्रोग्राम पहले 5 दिन का होता था, हम लोग इसको इस बार 3 दिन का कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि बजट कम है या इसलिए नहीं कि हमारा कुछ कला के प्रति प्रेम कम हो रहा है, बल्कि इसलिए कि हमारे मन में और कई जगह से ये डिमांड थी कि कर्नाटक म्यूज़िक का फेस्टिवल अलग से किया जाए। और हेयर आई कैन से कि कर्नाटक म्यूज़िक का फेस्टिवल दिल्ली सरकार एक अलग से इसी तर्ज पर इतना ही बड़ा फेस्टिवल इसी ग्रैंडनेस के साथ में करना चाहेगी। ये बहुत ही खूबसूरत मौसम है, शायद आप सब जानते हैं, आप सब यहाँ आए हैं तो इट्स एन एविडेंस कि आप आर्ट को, कल्चर को कितना प्यार करते हैं। ये एम्बियंस शायद कमानी ऑडिटोरियम से कहीं ज़्यादा बेहतर फील हम सबको देगा, कहीं ज़्यादा बेहतर हम लोग इसको एंजॉय कर पाएंगे। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर एंकरेजिंग अस। आज का ये पूरा फेस्टिवल इस बार हमने पंडित गुंडेचा जी, जिनको स्वर्गीय पंडित जी को समर्पित किया है, जो 58 वर्ष की उम्र में ही हमारे बीच से अपना योगदान दे के अब नहीं रहे, उनको समर्पित किया है। उनके ब्रदर्स और उनके सुपुत्र पहली बार इस फेस्टिवल में परफॉर्म भी करेंगे। तो लेट्स एन्जॉय, दिस इज़ ए 3-डे फेस्टिवल, लेट्स एन्जॉय एंड बी फील द पावर ऑफ म्यूज़िक विद इन अस। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद
और अब मैं निवेदन करूंगी मुख्य अतिथि महोदय से कि कृपया दर्शक दीर्घ में अपना स्थान ग्रहण करें और कार्यक्रम का आनंद लें। और अब बात सिर्फ संगीत की। कहते हैं संगीत के स्वर हमें एक अनंत अनिर्वचनीय आनंद की यात्रा पर ले जाते हैं, जहां सारी चेतनाएं एकाकार हो अनहद का सृजन करती हैं, जागृत करती हैं सारी नाड़ियों तंत्रियों की अंतर्ध्वनियों को। झनझनाता है हमारा शरीर और हम आत्मा तक डूब जाते हैं संगीत की रसधारा में। इसी रसधारा में आपको आकंठ डुबोने के लिए इस मंच को सुशोभित करने जा रहे हैं वो महान कलाकार जिनका नाम विश्व भर में सरोद का पर्याय बन चुका है। जी हाँ, सेनिया बंगश घराने की छठी पीढ़ी के सरताज, ख्यात नाम उस्ताद अमजद अली खां साहब। खां साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और शायद ऐसी ही अजीम शख्सियत के लिए फैज साहब ने कहा है, दोस्तों इनके तारुफ की ज़रूरत क्या है, दोस्तों इनके तारुफ की ज़रूरत क्या है, फूल के पास से गुज़रो तो महक आती है। लेकिन फिर भी एक ऐसा प्रेरणादायक जीवन जब हमारे बीच हो तो कुछ बातें दोहरानी ज़रूरी हो जाती, और ख़ासतौर पर अपनी युवा पीढ़ी के लिए मैं कुछ बातें दोहराना चाहूँगी। खां साहब को संगीत विरासत में अपने पिता ग्वालियर राज दरबार के सुप्रतिष्ठित संगीतज्ञ उस्ताद हाफिज़ अली खां से प्राप्त हुआ। सेनिया बंगश घराने के संगीतज्ञों ने ही ईरान के लोकवाद्य रबाब को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्धित किया और नाम दिया सरोद। उस्ताद हाफिज़ अली खां साहब ने इसे कुछ और संवारा। उस्ताद अमजद अली खां साहब ने न सिर्फ उसकी संरचना को बेहतर किया बल्कि उंगलियों की जगह नाखून से बजाकर उसके स्वर की गुणवत्ता को बहुत बढ़ा दिया। खां साहब ने 12 वर्ष की नन्ही आयु में अपने एकल सरोद वादन का प्रदर्शन किया और अपनी अनूठी लयकारी और तंत्रकारी से सुनने वालों को हैरान कर दिया। इस तरह शुरू हुआ आपका संगीत का सफ़र जो आपको दुनिया भर के देशों में ले गया। खां साहब की सृजनात्मक प्रतिभा को उनके द्वारा रचित लगभग 40 मनमोहक रागों में अभिव्यक्ति मिली। आपको देश के सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के साथ साथ संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, दिल्ली सरकार के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। महात्मा गांधी की 144वीं जयंती के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष सभा में आपको आमंत्रित किया गया था सरोद वादन के लिए। आपने पश्चिम के कई संगीतज्ञों के साथ मिलकर संगीत रचनाएं की हैं। विश्व भर की कई प्रतिष्ठित संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया है और कई देशों ने अपनी नागरिकता भी भेंट की है। सरोद के प्रति आपका समर्पण इसी से समझा जा सकता है कि अपने जन्मस्थली ग्वालियर में आपने सरोद म्यूजियम, सरोद घर भी बनाया है। संगीत के क्षेत्र में खां साहब के योगदान और उपलब्धियों का फलक इतना बड़ा है कि उसे शब्दों में समेटना संभव नहीं है। यहाँ एक बात लेकिन फिर भी साझा करना चाहूँगी। उस्ताद अमजद अली खां साहब के वालिद और गुरु उस्ताद हाफिज़ अली खां साहब बहुत अच्छा गाते थे और गा गाकर सिखाया करते थे। उनका मानना था कि सरोद में गायकी सुनाई देनी चाहिए, इंसानी जज्बात जाहिर होने चाहिए। उनकी वो तालीम खां साहब के वादन में साफ झलकती है। खां साहब सरोद बजाते नहीं, उसके जरिए गाते हैं। आपने आधुनिक भावबोध के साथ सरोद वादन में चमत्कारिक प्रदर्शन भी किए हैं। राग का संतुलित क्रमिक विकास, लय का धीरे धीरे बढ़ना और सुंदर तानों की लड़ी आपके वादन को विशिष्ट बनाती है। खां साहब का वादन सुनते समय लगता है कि राग अपने साक्षात आकार में हमारे आसपास हैं। रागमाला के पुरातन चित्र तो आप सभी ने देखे होंगे, लेकिन रागमाला का राग रूप, उसका रंग भरा मदमाता स्वर या करुणा से उपजा आँखों को भिगोता स्वराकार खां साहब के वादन में स्पष्ट अनुभव होता है। तो चलिए चलें सुरों के उस सफ़र पे जहाँ लौकिक और अलौकिक के बीच का भेद मिट जाता है। पहले तारुफ कराएंगे संगत कलाकारों का। तबले पर दो युवा कलाकार हैं, श्री अनुब्रता चैटर्जी। तालियों से हम स्वागत करें कलाकारों का।
श्री अनुव्रता चैटर्जी पंडित ओनिंदो चैटर्जी के सुपुत्र और शिष्य हैं। श्री शारिक मुस्तफ़ा उस्ताद राशिद मुस्तफ़ा थिरकवा के शागिर्द हैं। और हमसे रूबरू होने जा रहे हैं उस्ताद अमजद अली खान साहब।
ये अनुव्रता चटर्जी हैं और ये शारिक मुस्तफ़ा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, और मुझे लग रहा है कि शायद पहली बार सिसोदिया जी मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और आज सबसे कम उम्र के ट्विन बॉयज़, ट्विन ब्रदर्स जो 7 साल के हैं, वो मेरी ऑडियंस में है, अबीर और जुहान, में उनका भी स्वागत करता हूँ। आई वुड लाइक टू डेडिकेट द कॉन्सर्ट वर्ल्ड पीस एंड हार्मनी। आई वुड लाइक टू डेडिकेट टू महात्मा गांधी, वी आर सेलिब्रेटिंग हिज 150 ईयर्स। और बहुत अफसोस की बात है कि हमारे पंडित रमाकांत गुंडेचा, जिनका फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, अचानक ये चले गए। गुंडेचा बंधु बहुत ही अच्छे ध्रुपद गायक और बहुत देश का नाम दुनिया में कर रहे हैं, और अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई थी इनकी। और बड़ा सुंदर इन्होंने ध्रुपद को, दोनों भाइयों ने, उमाकांत जी और रमाकांत जी ने, तो रमाकांत जी को हमेशा हम मिस करेंगे। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, मुक्ति दे। तो मैं कार्यक्रम का शुरू कर रहा हूँ महात्मा गांधी के दो बहुत ही सुंदर डिवोशनल सॉन्ग्स, जिनका मैसेज बहुत सुंदर है। और पहला जो सॉन्ग है वो राग खमाज पे आधारित है और दूसरा गारे के ऊपर। धन्यवाद। Thank you.
Next composition is Rag Shama Gauri, composition in 14 beats time cycle, Deep Chandi or Chachar. Mm-hmm.
इस पोल्यूशन के हालात में ओपन एयर कॉन्सर्ट से मैं डर रहा था। अब ये पोल्यूशन सिसोदिया जी के हाथ में है या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी लोग लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाले लोग हैं, लेकिन बच्चों का ध्यान रखना है कि बच्चों को तकलीफ ना हो, हमारे देश के बच्चे, हमारे दिल्ली के बच्चे। तो मुझे टेक्निकल बातें नहीं पता है, लेकिन वो सेंट्रल की जिम्मेदारी है या केजरीवाल जी की या आप लोगों की जिम्मेदारी है, इसको जितना जल्दी ये कंट्रोल हो जाए और आगे कभी हो ना ऐसा, ये मेरी निवेदन है आपसे, सिसोदिया जी से। नेक्स्ट आइटम है मेरा राग गणेश कल्याण। ये एक मेलोडी मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी, मैं गाता रहता था विदाउट रियलाइजिंग व्हाट आई एम सिंगिंग। एक मेलोडी थी और मुझे इन माय व्हेन आई एम अलोन, व्हेन आई वाज अलोन, आई वाज हमिंग ऑल द टाइम दिस पर्टिकुलर मेलोडी। देन वन डे आई रियलाइज एंड आई स्टॉप, व्हाट एम आई सिंगिंग, ये है क्या। ऐसे ही भगवान की तरफ से हम लोगों को कुछ ना कुछ ऊपर से आता रहता है। अभी वी आर जस्ट ए मैसेंजर, वी ट्रांसमिट द मैसेजेस ऑफ कॉस्मिक पावर्स। तो वो एक नई शक्ल बनी उसकी। राग क्या चीज़ है? राग व्हेन इट देयर इज अ डिसिप्लिन ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, तो वो राग हो जाता है, नहीं तो एक धुन है वो। और उसको महाराष्ट्र में मेरा कार्यक्रम था गणेश फेस्टिवल में, तो उसका नाम मैंने गणेश कल्याण रखा और मैं अब दुनिया भर में इसे बजाता हूँ आपके सामने पेश कर। Thank you.
मंत्री लोगों से मिलने का मौका कम मिलता है मुझे, देश की सेवा करने के लिए दुनिया भर में हम लोग घूमते रहते हैं, देश का पैगाम लेकर, देश की कला का, कल्चर का। और ये सारे दौरान पोल्यूशन के मैं अमेरिका में था 1.5 महीने तक, लेकिन चिंता थी मुझे अपने बच्चों की, देश के बच्चों की बहुत फिक्र थी। एक और निवेदन मैं सिसोदिया जी को करना चाहूँगा कि मेरे पिता गुरु उस्ताद हाफिज़ अली ख़ान साहब, जो दिल्ली में उनका स्वर्गवास हुआ 1972 में, और यहीं पर उनका समाधि है, मज़ार है, लेकिन बहुत बुरी हालत में है, वो निज़ामुद्दीन दरगाह के आसपास ही है। तो उनके नाम का एक 3 दिन का हर साल का एक फेस्टिवल हो जाए और उनकी समाधि की भी आप लोग रक्षा करें तो बड़ी कृपा होगी। मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ द वर्ल्ड दे हैव लैंग्वेज टेक्स्ट स्टोरी, बट इन 13th सेंचुरी देर वॉज ए सूफी सेंट हजरत अमीर खुसरो हु क्रिएटेड कव्वाली, कौल, कलबाना, मैनी इंस्ट्रूमेंट्स, मैनी रागस। सो ही क्रिएटेड स्टाइल ऑफ सिंगिंग कॉल्ड तराना। तराना डजेंट डील विद लैंग्वेज, सो ही क्रिएटेड अ लैंग्वेज ऑफ सेलेबल्स एंड म्यूजिक, ताना तो ओम तादा रे दानी। सो आई हैव कंपोज मैनी तरानास एज अ ट्रिब्यूट टू हजरत अमीर खुसरो, बट दिस पर्टिकुलर सॉन्ग इज बेस्ड ऑन राग बहार। तादारे दानी तादानी दीम ताना तानोम, तादारे दानी तादानी दीम ताना तानोम, तानोम तानानोम, तादेरे ना तादेरे ना तादेरे ना तादेरे ना तादेरे ना, तादारे दानी तादानी दीम ताना तानोम, ta na 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 dim ta na 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 ta na 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 dim ta na 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 ta na num ta na num ta re na ta na num ta da re da ni da git tak dum git tak dit ta git tak dit ka dik ni da klan da klan da klan da ta da re da ni dim ta na ta num tadare dani tadani dim tanatanu tadare dani tadani dim tanatanu jo se baja tadare dani dim tanatanu tadare dani tadani dim tanatanu tanum tananum tadere na tadare dani tadani dim tanatanu na 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 dim ta na 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 ta na 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 dim ta na na ta na nu ta na nu ta re na ta na nu ta da re da ni da ki da dum ki da 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 ka da ka ka da ta da re da ni dim ta na ta nu ta na na dum ta na na ta na na ta na na ta na ta na dum tananatom 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 tadare dani dridri dani tadare dani dridri tom tananare arananom tananatana tananatananatom tananom tadare dani dridri dani tom tananare tadani dim tananatanom tadare dani tadani dim tananatanom। अब मैं इसको सरोद में बजाऊंगा।
बहुत अरसे के बाद ओपन एयर का आज बहुत आनंद आ रहा है। इतने प्यार से आप लोग सुन रहे हैं, इतने मोहब्बत से, और मेरे कार्यक्रम के बाद देश की बहुत मशहूर गायिका पद्मा तलवरकर जी का गाना है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा बजाना नहीं चाहता हूँ। अब मैं एक टैगोर का सॉन्ग बजाऊँगा जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया है, एकला चलो रे। और मेरी शादी हुई है आसाम से, मेरी वाइफ सुबलक्ष्मी यहाँ बैठी हैं, तो जब आसाम गया तो वहाँ का संगीत मैंने बहुत सुना, और वहाँ का लोक संगीत उसको बिहू कहते हैं। तो आप देखेंगे जब मैं बंगाल से आसाम जाता हूँ और आसाम से बंगाल आता हूँ तो आपको सुरों का फ़र्क पता लगेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, यू हैव बीन वेरी काइंड, इनकरेजिंग, वेरी ग्रेशियस, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू फॉर सच ओकेजन अगेन इन ए बेटर नॉन पोल्यूशन डेज।
इतना सुंदर सरोद वादन अभी आप लोगों ने सुना, तो मुझे लगता है उस्ताद अमजद अली खान साहब के लिए एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां हो जाएं। मैं निवेदन करना चाहूँगी उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया की एडवाइज़र आर्ट एंड कल्चर के लिए सुश्री अभिनंदिता माथुर जी से कृपया मंच पर आएँ। साहित्य कला परिषद की गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स श्री सुजीत गुप्ता और श्री संजय चड्ढा हमारे बीच मौजूद हैं, उन्हें भी मैं निवेदन करूंगी उनसे कि कृपया मंच पर आएं। उस्ताद अमजद अली खान साहब को इस उत्सव की याद दिलाने के लिए एक भेंट। खान साहब की संगत की थी श्री अनुव्रता चैटर्जी ने, मैं उन्हें भी आमंत्रित करना चाहूंगी, कृपया यहाँ आकर भेंट स्वीकार करें। श्री शारिक मुस्तफ़ा साहब कृपया मंच पर आएं और साहित्य कला परिषद दिल्ली सरकार की ओर से भेंट स्वीकार करें। आप लोग जानते हैं कि संगीत में जादू है, लेकिन आपके हाथों में भी एक जादू है, क्योंकि जब ये दोनों हाथ मिलते हैं तो कलाकार का हौसला भी बढ़ता है, हौसला अफजाई होती है और आपकी तारीफ उन्हें आगे कुछ और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करती है।